अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे मटन करी, और वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से। अगर हमारे घर में आ जाए अचानक से कोई मेहमान, तो हम इसे फटाफट से बना सकते हैं। इसमें ज़्यादा कोई परेशानी भी नहीं है, और ये बहुत जल्दी से बन जाती है, और इसके लिए ज़्यादा कोई इंग्रेडिएंट की आवश्यकता नहीं होती है। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर कुकर में हमने 6 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल को गरम कर लिया है। मैं मस्टर्ड ऑयल यूज कर रही हूँ, आप कोई भी कुकिंग ऑयल जो आप यूज करते हैं कर सकते हैं। 3 लिया है मीडियम साइज का प्याज, और 3 ही लिया है हरी मिर्च। हरे मसालों में लिया है मैंने 10 काली मिर्च, 5 इलायची, 5 लौंग, 1 दालचीनी और 1 बड़ी इलायची। अब तेल गरम हो चुका है, इसमें डाल दूंगी 1 टीस्पून जीरा, क्रैकल कर लेंगे इसे, और डाल दूंगी ये सारे खड़े मसाले। और इसके बाद डाल देंगे प्याज और हरी मिर्च जो लिए थे, और इनको फ्राई कर लेंगे अच्छे से। चला देंगे इन्हें और ब्राउन होने तक इन्हें फ्राई कर लेंगे। एक केजी मटन लिया है मैंने यहाँ पर। मटन मैंने रिब्स लिया है और नली लिया है, इस तरीके का आप मटन लीजिए, क्योंकि करी के लिए इसी तरीके का मटन बहुत अच्छा होता है, इसकी करी बहुत अच्छी बनती है। तो अभी प्याज हमारा यहाँ पर फ्राई हो चुका है, और अब हम उसमें डाल देंगे मटन। और मटन को फ्राई होने देंगे अच्छे से, चला देंगे इसे। अभी मटन अपना पानी छोड़ेगा, और 1 टीस्पून डाल देंगे इसमें साल्ट, और चला देंगे फिर से अच्छे से, और इसको पकने देंगे। बीस कली लहसुन, छोटा टुकड़ा अदरक और 1 प्याज, प्याज को इसमें काट के डाल दूंगी। और ये अदरक और लहसुन भी इसमें डाल देंगे। और 1 टीस्पून डाल देंगे नमक, 2 टीस्पून डाल देंगे हम इसमें धनिया पाउडर, और 1 टीस्पून डाल देंगे जीरा पाउडर। एक टी डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर, और आधा टी स्पून डालेंगे हल्दी पाउडर, और खाने वाले चम्मच से 3 चम्मच डाल देंगे दही। और इन सब का एक फाइन सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये मैंने इसका पीस कर पेस्ट बना लिया है। अभी मटन हमारा फ्राई हो चुका है, देख सकते हैं आप, तेल अलग हो गया है, एकदम सरफेस पे आ गया है तेल। मटन को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। और अब हम इसमें मसाला ऐड कर देंगे जो हमने पीसा था, और 1/2 ग्लास पानी डाल के मैंने इसको खंगाल के डाल दिया है, और मिक्स कर देंगे मसाले को अच्छे से, और गैस को सिम कर देंगे।
और इसको चला देंगे अच्छे से। और हाफ टी स्पून डाल दूंगी मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए। मसाला हमारा भुन चुका है, देख सकते हैं आप। एकदम मसाले से तेल अलग हो गया है, इसका मतलब अच्छे से मसाला फ्राई हो गया है। और अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पर 800 मिलीलीटर पानी डाला है, आप अपने ज़रूरत के हिसाब से डाल सकते हैं। जैसी आपको ग्रेवी बनानी है, पतली बनानी है या गाढ़ी बनानी है, जिस तरह की आप ग्रेवी खाना पसंद करते हैं। मैं थोड़ी पतली बना रही हूँ। इसे आप राइस के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं। हम इसमें बॉईल आ गया है, 1-2 मिनट इसको मैं पका लूँगी। और अब मैं इसको बंद कर दूँगी लेड लगा के, और 4 सीटी आने दूँगी। अब इसमें 4 सीटी आ गई है और गैस को हमने बंद कर दिया है। अब हम इसे खोल कर देख लेंगे कि बनकर तैयार हुआ है या नहीं। देख सकते हैं आप, एकदम अच्छे से बनकर तैयार हो गया है। और अब डाल दूंगी मैं इसमें धनिया पत्ती, इससे अच्छी सी खुशबू आ जाएगी इसमें। और चला दूंगी इसे। तो लीजिए, ये बनकर तैयार है हमारी मटन करी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।